31 अक्टूबर को सोलन में आयोजित होगी रन फॉर यूनिटी मैराथन। इस मैराथन में करीब 3000 धावक भाग लेंगे। ये जानकारी सांसद वीरेंद्र कश्यप और खाद्य ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को देश को समर्पित करेंगे। ये प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी प्रतिमा होगी, जिस पर सभी देशवासियों को गर्व होगा। इस मौके पर सांसद ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति देशवासियों को समर्पित करेंगे, उस दिन रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोलन शहर की सभी संस्थाएं, स्कूल और शिक्षा संस्थान बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ये दौड़ एकता का परिचायक बनेगी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची जो प्रतिमा है, स्टैचू है, जो विश्व में सबसे यानी बड़ा और हाइट का जो स्टैचू होगा, वो मोदी जी की सोच है कि श्रेष्ठ भारत हो, हर दृष्टि से भारत का नाम सबसे ऊंचा हो, तो उसी की तरफ एक ये कदम है। और हमें खुशी है कि जहां पर सारे देश में रन फॉर यूनिटी के नाम से जो है वो 31 अक्टूबर को कार्यक्रम हो रहे हैं, सोलन में भी उस दिन एक भव्य कार्यक्रम मैराथन रेस जो है रन फॉर यूनिटी के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के यादगार में हम करने जा रहे हैं। और यहाँ पर भी हजारों जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, युवतियां हैं, बच्चे हैं, वो फोटो ग्राउंड से 10 बजे ये जो है वो दौड़ शुरू होगी।